नमस्कार, जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वारा सिवनी जिला कांग्रेस सचिव और नपा पार्षद संदीप मिश्रा आज विधिवत रूप से भाजपा में शामिल हुए। उन्हें भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लता एलकर ने पार्टी की विधिवत सदस्यता दिलाई। इस मौके पर वह पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल मंडल अध्यक्ष आलोक खरी युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष दीप चौहान सहित अनेकों भाजपाई शामिल हुए। विदित हो कि पार्टी के भीतर एवं नपा में सत्तानसीन कांग्रेस के भीतर काफी दिनों से चल रही अंदरूनी कलह की वजह से मिश्रा के लंबे समय से पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामने के कयास लगाए जा रहे थे। नपा चुनाव के पूर्व कांग्रेस के लिए बड़ा झटका विदित हो कि युवा तुर्क संदीप मिश्रा ने अपने पौने 5 वर्ष के पार्षदी काल में सभी वर्गों के बीच कार्य करने वाले निष्पक्ष पार्षद की छवि बनाई, जिसका फायदा निश्चित ही नपा के चुनाव में कांग्रेस को होता। लेकिन उनका एन नपा चुनाव के पास पार्टी छोड़कर जाना कांग्रेस के लिए चुनाव में खतरे की घंटी है। अब देखना है कि कांग्रेस इस नुकसान की भरपाई किस तरह करती है। ये भी शामिल हुए हैं, इनके बहुत सारे साथी शामिल हुए हैं। मैं ये कहना चाहते समय कि इस समय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश के विकास के लिए, नौजवानों के बेरोजगारी को दूर करने के लिए और देश के सम्मान में वृद्धि के लिए जो भी नीतियां अपना रहे हैं, निश्चित रूप से वो नीतियां आज देश के नौजवानों को लुभा रही हैं और वो इस बात को समझ गए हैं कि इस देश की प्रगति और इस देश के सम्मान की वृद्धि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। इसलिए वे सहर्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम पूरा परिवार उनका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि उनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी अपने कदम और आगे बढ़ाएगी। मैडम, क्या लगता है आपको संदीप मिश्रा क्या? आज मैंने देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिए जा रहे क्रांतिकारी निर्णयों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। क्योंकि मेरी आज से एक सप्ताह पूर्व हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर साहब से राम मंदिर में चर्चा हुई थी और चर्चा उपरांत हमारे तारीख भी मुकर हो चुकी थी कि 18 तारीख को हम प्रवेश करेंगे और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मैंने अपने वार्ड नंबर 10 कर चुकी, मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ, तो उस वार्ड के अपने युवा साथियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। रही बात हमारे आदरणीय नेता डॉक्टर साहब ने भी बताया कि काफ़ी दबाव था, दबाव तो अभी निरंतर जारी है, परंतु मैंने जब एक जानकारी मिली कि हमारे महिला परिषद के सभापति संदीप मिश्रा जो कि बहुत पुराने कांग्रेसी थे, 25 साल पुराना कांग्रेस का जीवन रहा है, बड़े एक्टिव थे, उन्हीं योग्यता देखते हुए उनको हमने प्लेटी का सभापति बनाया था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, अभी जानने लगी मीडिया के माध्यम से, मैंने व्हाट्सएप फेसबुक देखा कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। अब तो बताएं क्यों करें, और हमारी पार्टी ने उनको सम्मान देने की कमी नहीं की, उन्होंने मैंने सीनियरिटी के हिसाब से उन्होंने टिकट दी, उसी बार टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, जनपद का सरपंच का पार्षद का उनको सीनियरिटी देखते उन्होंने सभापति बनाया पेट्रोल्टी का। बालाघाट से आनंद रोडगे की रिपोर्ट।